Showtime. प्रणाम सलाम स्वागतम वेलकम एंड खुशामदीद हमरे माटी हमरे धरती से जुड़ल सब भैया बहनी और देश विदेश दुनिया जहान में टीवी देख रहल सब दर्शक लोगन के ई धरती पुत्र बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के नमस्कार। आदत भी अजीब चीज होला, लाख कोशिश करी पीछा ना छोड़ेला। ऐसे आदत से मजबूर एक पंडित जी महाराज रहलन, कोई चाहे लाख कोशिश करे वो कौनो नुक्स हर चीज में निकाल ही देत रहलन। कबो कह देत रहलन कि सब्जी में नमक ज्यादा रहे तो कबो पूरी नरम ना रहे, कबो कह दे कि दही इतना खट्टा रहे कि मुंह में ना पड़त रहे। उनकर ये आदत देख के पार्वती मैया एक दिन शिव जी भगवान से कहली कि हे प्रभु, कुछ ऐसा करी कि हे ब्राह्मण देवता के आदत छूट जाए। कहे ना एक दिन हम अपने हाथ से भोजन पका के ब्राह्मण देवता के खिलाई, फिर देखल जाए कि ब्राह्मण देवता कौन नुक्स निकालत बढ़े। शिव जी मुस्कुराइनी, बाकी पार्वती जी के इच्छा के पालन भइल। पार्वती जी और शिव जी एक दिन पृथ्वी लोक पर आईली। पार्वती जी खाना बनौली, साक्षात अन्नपूर्णा के हाथ से बनल भोजन पंडित जी के मिलल। स्वाद ले ले के खैलन और इतना खा लेलन कि उठल ही ना जात रहे। अपने आदत के अनुसार कहलन इतना भी अच्छा भोजन ना बना देवे के चाही कि आदमी खाते खाते मर जाए। ख्याल रहे ऐसने आदत से दूर रहे के चाही। आलोचना और सुझाव के साथ साथ जे तारीफ के हकदार बा ओके दिल खोल के तारीफ जरूर करे के चाही। आज हम तारीफ करत बानी हॉट सीट पर बैठल समझदार जानदार और जोशीला कानपुर से आयल कल के रोल ओवर प्रतिभागी प्रतिभाशाली मैकेनिकल इंजीनियर रमेश कुमार प्रसाद जी। रमेश जी अपना जोश और होश के साथ खेलत खेलत अभी तक 10 सवाल के सही जवाब दे चुकल बाड़ा, 3,20,000 रुपया जीत चुकल बाड़ा। अभी तक इनका 2 लाइफ लाइन यानी जीवन दान बाकी बा, ताई इनके साथ खेल के आगे बढ़ावल जाए और खेलल जाए ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर दिल के मेल दिमाग का खेल के बनी करोड़पति। कैसन अनुभव कर रहल बानी? बहुत अच्छा अनुभव कर रहल बानी, लेकिन ये अनुभव के कारण रात में नींद भी ना अच्छा से आई। नींद ना आई जी? ना, करवट बदलत बदलत समय गुजर गई। मैंने एकदम इतना रोमांटिक एक्सप्रेशन का है, करवट बदलत बदलत काल का होई, काल का होई उसे काल का होई। अरे सब बढ़िया हो कि महाराज, और आपके तो दादाजी साथे बड़े। दादाजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बढ़िया लगा था, एकदम नया वस्त्र, नया रूप, नया जोश, नया उल्लास और नया आशीर्वाद। अब बगल में बैठे बड़े मामा जी ब्रजेश रमन नाम बाना आपके जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप भी एकदम बढ़िया, एकदम हिट एंड फिट लागत बानी आप। खेल के आगे बढ़ावल जाए जी। पहले कंप्यूटर बाबा का प्रणाम। गोड़ लाग ली कंप्यूटर बाबा के, सब कुछ साक्षात दंडवत। हाँ, 11वां सवाल जे सही जवाब आपकी दिलाई 6,40,000 रुपया। कंप्यूटर महाराज के आदेश से कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ रहल बा और सवाल बाई। में से कौन क्रिकेटर बैटिंग बाएं हाथ से करेलन जबकि बॉलिंग दाहिने हाथ से? समय सीमा खत्म हो गई बा, टेक योर टाइम। और आपके ऑप्शंस बा, ए युवराज सिंह, बी आशीष नेहरा, सी सुरेश रैना और डी जहीर खान। ये देश के क्रिकेट क्रेजी नेशन भी कहल जा रहा है।
दो लाइफलाइन बाकी बा। सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, जे लोग क्रिकेट लवर बा ओकरा पता होके चाहिए। बहुत बढ़िया खेल रहल बानी, मिनिमम रिस्क बा आई जा, लेकिन हाँ जीत जाए तो फिर वारे नहीं आ रहे। आ कहीं सवाल के जवाब गलत भइल तो कम से कम 3,20,000 रुपया तो मिनिमम गारंटी यहां से लेके जाए। दिमाग में क्या चल रहा है? क्रिकेट के उसी में याद करे के चाहतनी कि कौन कितने खेलला। अरे महाराज में दूठो लाइफ लाइन बाकी बा, अभी दो लाइफ लाइन बाकी। फैसला करिए, तय करिए। 50-50 ले। 50-50? हे कंप्यूटर बाबा मदद करी, दो गलत जवाब हटा दी और मिटा दी। दिमाग में चला तो वे बात के बाकी मैं साथे कुछ नहीं। सुरेश रैना सी। चलिए आपके बात पे सुरेश रैना जी। ओके आप कंप्यूटर बाबा से गुजारिश करवानी जी। मारी मोहर लगाई ठप्पा। हे कंप्यूटर बाबा मारी मोहर लगाई ठप्पा। सी पे सुरेश रैना। वे दो में कंफ्यूजन रहे लेकिन क्लियर पिक्चर ही नहीं खेला कौन। हमरा तो हिम्मत नहीं के पड़ा। प्रार्थना करी हमने तमाम लोग के बहुत कोशिश रहे। कंप्यूटर बाबा के आपके ऊपर आशीर्वाद बा, यही से हम सोचनी कि दादाजी आज बड़े हो जा, मामा जी भी टुकटुकी लगा के देखत बड़े। दादाजी के तो कुछ आइडिया ना हो कि मामा जी से पूछी ब्रजेश रमन जी आपके का आइडिया बा जी। सवाल के जवाब जी सुरेश रैना ठीक जवाब। सुरेश रैना जी ठीक जवाब। ठीक बा जी। सुरेश रैना यही सब बोल के तो आप इनकर हौसला अफजाई करत बानी, आप जीत गई बानी आप। चलिए आप जीत गई नहीं है 6,40,000 रुपया। तालियां। दादाजी 6,40,000 रुपया जीत गई राउर पोता जी। तो काम आई कि ना काम आई घर में पैसा? जरूर काम आई, जरूर काम आई। ओके लीजिए अब लेटेस्ट 6,40,000 के चेक आपके सामने पेश कर जाता। धरी एकरा। लेकिन अभी खेली खेली अभी और जीत की सब आपके ही हो। हम का करब एकर पत्थर के जिगर वालो, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। बारहवां सवाल दिलाई सही जवाब आपके 12.5 लाख रुपया और एक लाइफ लाइन बाकी बा। तो सोच समझ के एकदम मैं गहराई से ठहराव से जी जी कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ रहल बा
बारहवां सवाल 12.5 लाख रुपया खातिर सवाल बा ई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित करे खातिर बनावल गई नालंदा मेंटर ग्रुप के अध्यक्ष के बारे और आपके ऑप्शंस बा ए अमर्त्य सेन, बी नीतीश कुमार, सी दलाई लामा और डी शत्रुघ्न सिन्हा। अमर्त्य सेन पक्का? मार दी ठप्पा। अच्छा ठीक है, ठप्पा मार रहे हो, लेकिन एक बार सोच के कि गलत जवाब ले 3,20,000 पे और सही जवाब अगर भाई आपके सही जवाब तो सब कर्जा हो जाए, सब माफ हो जाए। तब बोली मारी ठप्पा लगाई मोहर, फिर कौन से याद नहीं ना कर सोचा के पड़ी, हम तो सपोर्ट करके कोशिश करते जी। मारी मोहर लगाई ठप्पा, मार दी ए अमर्त्य सेन के नाम पे मारी मोहर लगाई ठप्पा। बहुत कृपा बा आपके ऊपर, परिवार के, दादाजी के और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बाबा के, कंप्यूटर महाराज के। आप कंप्यूटर से हमेशा दूर भागे नहीं, मगर यह कंप्यूटर बाबा कंप्यूटर महाराज आज रहुआ के इतना रुपया जितवैलन, ऐसा गोल लागे नहीं ऑफिस में जानी तो दूर पर गोल लागे रुपया जितवैलन। काहे नाराजगी बा कंप्यूटर बाबा से? एक बार प्रैक्टिकल लैब देते इंजीनियरिंग कॉलेज में तो पूरा डिजाइन बना देनी, जब सबमिट करे के समय रहे तो पता ना का हो गई ऑफ हो गई। 4 घंटे में डिजाइन के प्रैक्टिकल लैब में ऑफ हो गई, टीचर का तब तक फेल कर दें। अब ओबरा मतलब कि सब कुछ अच्छा, कॉलेज के टॉपर रही, सब कुछ ओबरा आँख से आंसू आ गए कि हम अब क्या करें। तो 4 घंटा ना मिली आई कंप्यूटर बाबा सब क्योंकि ठीक हमरे का है डुबा था। तब से मतलब कि ये लागे होके कि ना कंप्यूटर से हमारा बहुत हमारा तो केहू तरह मैंने घींच घाच के मतलब पास मार्क्स दे देने रोला गाइला पे, तो मतलब केहू तरह पास मार्क्स मिले जिससे थोड़ा सा हमारे ग्रेडिंग कम हो गई। तो रात दिन सोते उठे बैठे खाली कंप्यूटर की कोची की बहुत हमरा से थोड़ा नाराजगी दूर भइल ना, सब नाराजगी दूर हो गई। ई ग्रुप के बाकी सदस्य बाड़न लॉर्ड मेघनाथ देसाई, श्री एन के सिंह, प्रोफेसर सुगता बोस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर वांग वांचई बेनवाई बीजिंग यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर तान सेन सेन। बट आप अमर्त्य सेन कहनी, इसका माने कि आप इंजीनियरिंग के साथ साथ बाकी भी ध्यान रखे ली आप, कॉन्फिडेंस के होखे के बावजूद भी हिलत रही आप, हम देखत रही, लेकिन आपके जीत से हम सबके बहुत खुशी भइल। एकरा कहब हमने कि वेल डिजर्विंग। देखी आँखों में खुशी का आंसू भर के ऐसा लगाता है कि बहुत नेक काम करत बानी, आपके बहुत सारा सपना सच होगी, बहुत बड़ा सपना सच होगी, बहुत बड़ा सपना सच होगी, बहुत सारा सपना सच होगी।
ये हमारा कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना बा, और यही साथ आपके 12.5 लाख रुपए। हम रखा था नहीं जी, जी अभी तो खेल चला था कि आपके एक लाइफलाइन और बाकी बा। अच्छा ये बताएं, ये 12.5 लाख रुपया अभी मिलल बा जी, का करब एकर? पहले पूरा लोन चुका दे। पूरा लोन चुका दे जी, बाबा जी के सपना में थोड़ा हवाई जहाज से घुमा दी, पूरा तीर्थ यात्रा करा दी। वाह वाह वाह। तो यहाँ के पहले कराओ, क्योंकि पिछले बार विष्णु देवी भेजले रहनी, अब तिरुपति बाबा जी के लगे भेजे के बा, तो सब तिरुपति के सार्थक कर दे। भी जाए शिरडी के साईं बाबा के दरबार में और फिर अजमेर शरीफ के दरगाह पे, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह बा परिवार के। आप तो श्रवण पुत्र मानी महाराज, सोच बहुते उठान पे बाटे, मन आज आसमान पे बाटे, जाने कहवा विराम ली जाके, ए परिंदा उड़ान पे बाटे। हमरा सामने बानी कानपुर से आयल मैकेनिकल इंजीनियर रमेश कुमार प्रसाद जी, 12.5 लाख रुपया जीत चुकल बाड़े अपन दादाजी के आशीर्वाद से और कंप्यूटर बाबा के कृपा दृष्टि से। अभी एक लाइफ लाइन बाकी बा और 3 सवाल दूर बाड़े 1 करोड़ रुपया से। सिर्फ 3 सवाल, 25 लाख रुपया के सवाल करे से पहले हम नहीं जाने के चाहिए कि आपकी पत्नी कहाँ बाड़ी? अभी कानपुर में बाड़ी। हाँ। नया घर खरीद लो में बाड़ी। तो उनका पता बा जी, वो देख रहा बाड़ी? हाँ देखा तो है। हाँ जी, प्रणाम, शुभकामना, शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद, विजयी भव। इनका भी कह चुकनी है विजयी भव, आप भी विजयी भव। चलो 25 लाख रुपया के खातिर कंप्यूटर महाराज के आशीर्वाद से कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल बा ये। महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य द्वारा बनावल गई पुष्पवंत पैलेस ये समय कौने राज्य के राजभवन बाटे? और आपके ऑप्शंस बा, ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी त्रिपुरा और डी मणिपुर। अभी भी एक लाइफ लाइन बाकी बा, लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन जी। अच्छा कौन है लाइफ लाइन बचल बा आपके? फोन ए फ्रेंड। फोन ए फ्रेंड, किनका से बतिया है? अविनाश वाजपेयी से बोल रहा हूँ। अविनाश वाजपेयी जी, जी। अविनाश वाजपेयी जी का करेलन? ये कोचिंग चलावनी यहाँ के कानपुर में ही, हमारा मैडम के भी कोचिंग पढ़ेले बनी बीएड जैसे केले बाड़ी, और घर के बगल में ही मैंने तो अच्छा से सब कुछ ये बटे। अब अविनाश वाजपेयी जी से बताया जी? अच्छा ठीक बा, अविनाश वाजपेयी जी से फोन से बात कराई। घंटी तो बजता तब तो दिमाग दौड़ाई, वो आपसे बताइए तो सिर्फ 30 सेकंड समय मिले, आपके पास कोनो समय सीमा नहीं है, करी कोशिश। सूतल बड़े का अभी सस्पेंस कितना बड़ा था देखेंगे। हेलो जी, नमस्कार, अविनाश जी बोल रहे हैं आप? आप अविनाश वाजपेयी जी बोल रहे हैं? जी अविनाश वाजपेयी जी। आपकी आवाज बड़ी अच्छी और मोटी है, इसलिए मैं थोड़ी मोटी आवाज में बोल रहा हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है जी सर। अभी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, आपके अपने परिवार के हैं, आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत मानते हैं, आप पे बहुत विश्वास है इनको, और ये कहीं पे कुछ क्षणों के लिए खामोश हो गए।
ये खामोश हो चुके हैं, आप इनका हेल्प करें, मदद करें, बतियाइए आपसे, लेकिन एक ही छोटा खेल के नियम बा, शर्त बा खेल के, कि आपके बातचीत दोनों जन के बातचीत जो बा वो 30 सेकंड में करीब खत्म करे पड़ी जी। जोर से आप बतियाए उनका से, और आप दोनों का समय शुरू होता अब, प्लीज हेल्प करें। ली बतियाए रमेश जी से। सर, महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक के द्वारा बनाया गया पुष्पवंत पैलेस इस समय कौन राज्य के राजभवन है? आंसर है ए में पश्चिम बंगाल, बी में उड़ीसा, सी में त्रिपुरा और डी में मणिपुर। बेटा इसका मेरे को महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक के द्वारा बनाया गया पुष्पवंत पैलेस इस समय कौन से किस राज्य के राजभवन है? राजभवन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर। बेटा आप अपने विवेक से काम लो। क्या सर? वो कोचिंग क्लास कर रहे थे या करते करते उन्होंने कहा ये आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, हमने कैसे सुनाई थोड़ा। तो मैं जानना चाहूंगा कि फिर आपने उनसे क्यों पूछा, विवेक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था तभी तो पूछा आपने। अविनाश वाजपेयी जी, कहीं जान बूझ कर ना कहते नहीं आप कि अपने विवेक का इस्तेमाल करो? आपको सुन चुकल रही आप कि 12.5 लाख जीत चुकल बाड़े, मामला 25 लाख के बा। अब बताइए आप, देखें महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक के द्वारा बनावल गई पुष्पवंत पैलेस इसमें कौन राज्य के राजभवन? अब 4 ऑप्शंस बा, पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी त्रिपुरा और डी मणिपुर। अब का क्रम लाइफ में खत्म हो गया बा। मणिपुर लगा था लेकिन का करे समझने की बात। आप सोच नहीं, हम फिर से रिपीट कर दे कि अगर अभी आप रॉयल एग्जिट ले, अगर दैट्स योर विश कि आप ले क्विट करो, तो 12.5 लाख रुपया इंटैक्ट बात। एकदम श्योर बानी तुम्हारी मोहर लगाई ठप्पा? श्योर नहीं थी तो जरा सोच। एग्जिट करेंगे चाहे मणिपुर लगा तो नहीं कंप्यूटर्स में क्या एग्जिट करो जी। गुड बॉय, इनके भावना के सम्मान में जोरदार तालियां। एग्जिट करो, आपके 12.5 लाख जो अमानत बा हमनी के पास जी। ये आपके बा तो मिल जाए जी, लेकिन जाए के पहले 2 सवाल जी। एक सवाल तो हम दादाजी से कहो, दादाजी का निर्णय कैलन हो, ठीक कैलन हो? हाँ। सही निर्णय बा? हाँ। अब तो हो गई, एग्जिट हो गई, चेक आ गई, बढ़िया। अब ऐसे ही सबको की जानकारी खातिर, गिवन अ चांस चॉइस एन अपॉर्चुनिटी, आपके अगर मौका रहित जी तो एकरा में से कौना चुनती हैं आप? डी मणिपुर। डी मणिपुर जी। ब्रजेश रमन जी, डी मणिपुर जी। दादाजी आप ही बोल दिए डी मणिपुर। डी मणिपुर, शाबाश। कंप्यूटर बाबा बताई सही जवाब का बा? अरे बच गई नहीं महाराज, सी त्रिपुरा सही जवाब बा।
और डी मणिपुर गलत जवाब। तो सी त्रिपुरा का मामा जी, ब्रजेश रमन जी, भांजा जी और दादा जी, तीनों कहानी। लेकिन ये तो आपके हो गई एकदम सही वक्त पे, आप सही काम कहनी है, एग्जिट लेके और साथ में हाथ में 12.5 लाख रुपया के चेक लेके आई। धन्यवाद, बहुत बहुत जा, सिर्फ दादाजी के चरणों में जा, दादाजी के पास और गुड बॉय, तालियां। थैंक यू, थैंक यू। शो टाइम एंड शो मस्ट गो ऑन, माने कि सब प्रतिभागी लोगन तैयार हो जाएं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खातिर। आप देखनी कानपुर से आयल मैकेनिकल इंजीनियर रमेश कुमार प्रसाद जी जीत के गईले एजा से 12,50,000 रुपया। अब खेल के आगे बढ़ावे खातिर हमनी के बाकी बचल प्रतिभाशाली प्रतिभागी लोगन के साथ, महारथी लोगन के साथ खेले के पड़ी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो तैयार हो जाएं, नजर स्क्रीन पे गड़ाएं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खातिर आपके स्क्रीन पे सवाल बाई। दिहल गल शब्दन के क्रम में सजाएं, एगो मशहूर भोजपुरी फिल्म के नाम बन जाए। और आपके ऑप्शंस बाद, ए गंगा, बी दुल्हा, सी के और डी पार। समय समाप्त भइल, आई देखल जाओ सही क्रम काबा। और सही क्रम बा बी दूल्हा, ए गंगा, डी पार और सी के। आई देखल जाओ कितना लोग सही जवाब दे ले बा। और सबसे कम समय में जवाब दे वाला बा कमल किशोर। वेरी गुड कमल किशोर, बहुत लड़खड़ाइत, बहुत कुदक्के मार के, बहुत फुदकते हुए जाइलन हा, एक जोरदार तालियां इनका खातिर। ओके, कुदकत फुदकत आप जाइनी हा, घबराहट नहीं खे ना? ना घबराहट नहीं खे, मैं हमारे काम में कुद कुदत फरन तो ला। अरे कुदके का फुदके का कामे बैंड कर, तो चली कुदकते फुदकते ज्ञान और मनोरंजन के खेल खेलल जाओ। दिल का मेल, दिमाग का खेल के बनी करोड़पति। हमरा सामने हॉट सीट पर बैठल बानी कमल किशोर जी, हीरापुर धनबाद से आयल बानी, आरा भोजपुर के मूल निवासी बानी। यहाँ के सपना बाकी 1 करोड़ जीत के एक विद्यालय के स्थापना करी। आई देखल जाओ कंप्यूटर महाराज से यहाँ के अपने बारे में का बतौले बानी। हमारा नाम कमल किशोर है, हम धनबाद में रहेला, हमारे पैतृक गांव आरा भइल। हमें जहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम करेला, बचपन से ही हमारा पढ़े लिखे में बहुत अच्छा रुचि रहे। हमारे पसंदीदा खिलाड़ी कपिल देव हन, कहे कि हमारे क्रिकेट में भी बहुत अच्छा रुचि बा। हमारा सबसे अच्छा फल आम बा। हमारे बचपन से सपना बा कि हम बड़ा होके एक सफल शिक्षक बनी और एक स्कूल के स्थापना करी, जैमे कि 80% लड़का रेगुलर रहिए और 20% लड़का वैसन रही है जो गरीब घराने से या बीपीएल परिवार से या ओ से नीचे हुई है, सारा खर्चा खुद के लिए। बहुत बढ़िया, गुस्सा में घर छोड़ के कमाए खातिर धनबाद चल गई रही। ऐसन का भइल रहे कि घर छोड़े के पड़ा? मेन ओहरी जन प्रॉब्लम रहे हमरा,
एक तो बेरोजगार रही हम और जस्ट कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जस्ट हमार कहीं सक्सेस होते हैं कहीं ना होते हैं, बाकी मौका मिलल कि चले कुछ प्राइवेट में पकड़ लेवल जा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हमार इंटरव्यू हुआ और में हम सिलेक्शन हो गई हमार रहा था ही हम बोकारो में ओगरी, बाकी बाबूजी हमारी रहा था आरा में। तो का भइल कि जब सिलेक्शन हो गई पटना में भइल हमार बोकारो जाइम तो जैसे हमारे शिफ्ट करे के पड़ी ये धनबाद, तो ओगरी हमारा पैसा चाहिए और ऐसे हमारा पैसा राहत ना रहे ज़्यादा, कुछ ट्यूशन वगैरह कर लेते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बाबू जी से मांगने रही 2000 रुपये के हमारा शिफ्ट करेगा बा बोकारो से धनबाद, तो उनमें तनी हेल्प करें। तो बाबू जी कहलन कि अब तो हम रिटायर हो गए नहीं बाकी अभी हमारी जान छोड़ दलो। तो हम बाबू जी के कहने कि ठीक बा हम जा तनी, अब वही घर आएम जब कुछ अच्छा कर ले हम तब। हमारा वीडियोग्राफी मात्र 100 रुपया रहे और हम गए नहीं पटना। पटना में हमारे एक कलीग भी रहे जकर सिलेक्शन बोकारो खत्म हुई रहे, वो कहला कि दोस्त चलो खाना खा लेते हैं। तो खाना खाएगा मतलब रहे कि बाहर जाके खाने के पड़े, ओकरा खाती अगर खाती तो हमारे फिर पैसा ना रहित कि हम ट्रेन पकड़ के वापस बोकारो आती। गए नहीं हम बहुत दिन रात भर खाना भी ना खैनी और सोचते रह गए नहीं रात भर कि हर का हो। घरी जनरल क्लास के टिकट विकट है नहीं, तो मैं हमारे 70 रुपया चल गई, 20 रुपया रख ले रही बोकारो स्टेशन से सेक्टर 1 भी आवे खाती। वो घरी जो दुख भइल नो वो जिंदगी में बुझात नहीं खे के शायद कही के कर दुख भइल हो के। अब बाबू जी के कितना दुख भइल हो कि बाबू जी के एक जवानी में जस बाबू जी कहले कि हम रिटायर हो गए बानी हमार जान छोड़ दो, तो ये तो घर घर के कहानी बा। हमने सबके परिवार में ऐसा होखेला जब बाबू जी रिटायर होखेलन तो उनका लगेला कि अब कैसे बाकी लोग के हम कितना खर्चा करें, कोई का करे के चाहेला, कोई कहीं जाए के चाहेला, पाल पोस के बड़ा कैलन बाबू जी माई। तो इतना अगर एहसास भइल गुस्सा आइल छोड़ के आ गई नहीं तो यो तो फर्ज बनत रहे जाने के कि बाबू जी पे अब का गुजरत होखी, माई कैसन होखी, वहाँ पे परिवार के लोग कैसन हुई हैं, जाके माफ़ी भी मांगे के चाहत रहे। हम गए रही फिर दोबारा माफ़ी भी मांगले रही जो हम गलती करने बाद में पछतावा भय रहे। पछतावा ओ घरी भइल जब बाबू जी का कहलन कि भैया हमारे गोविंदपुर में बड़न जय किशोर राय, वो घरी वो जो गोविंदपुर में रहता आ वो जस्ट गाँव पर रहन। जब वो आइलन हो जाए गाँव से गोविंदपुर जस्ट 3 दिन बाद तो बाबू पछतावा भइल कि ना भइल। पछतावा भइल बाबू जी फिर पैसा भेजवा ले रहा है। मिलाप तो भइल बा हो गइल ना मिलाप हो गइल बा। गॉड ब्लेस वेरी गुड तालियां बढ़िया। साथ में के आइल बा आपके? हमार सब कुछ गृह मंत्री अर्धांगनी सब कुछ गृह मंत्री अर्धांगनी और रावर जनरल चीफ और साथ ही साथ अर्धांगनी गणेश सर्वांगनी सब कह दिए टोटल सरेंडर बा। अच्छा लगा था आपके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। घर में भी ऐसे नहीं गुस्सा? उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है आपसे मिलने की। आपका नाम क्या है? क्लावती देवी। अच्छा लगा। अच्छा देवी जी ये बताइए हमसे मिलने की खुशी हो रही, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, खासकर उस परिवार में जहाँ राम भरत मिलाप हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक ठाक हो गया, लेकिन सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे अभी भी वैसा ही गुस्सा है इनका, गुस्सा थोड़ा कम हो गया? नहीं पहले से तो बहुत ठीक है। आप ठीक है? अच्छे हैं, बहुत ठीक है। देखिए सर्टिफिकेट मिल गए ना, गुड लुकिंग गुड आदमी बढ़िया आदमी बड़ी बहुत अच्छे आदमी है, वैसी बात नहीं है। आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो हम लोग कौन, बस आपने दे दिया चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप बताई नहीं हाँ कि परिवार के साथ बतबतावत रही और कैसे 70 रुपया और 20 रुपया बचल। सब हम ये बात पे ज्यादा जोर देला ये बात पे कि ये प्लेटफॉर्म जे बा ये बिछड़ों के मिलावे के प्लेटफॉर्म बा, आम लोगन के सपना साकार करे के प्लेटफॉर्म बा, ये आम लोगों के कार्यक्रम बा। यही सब कहिले दिल के मेल दिमाग के खेल, खेल ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर ये खेल के कुछ नियम बा आपके पता हो कि? हाँ। लेकिन बहुत शॉर्टकट में बता दें कि 1 से लेकर 15 सवाल, पहला सवाल दिलाई आपके 1000 रुपया, 15वां सवाल दिलाई आपकी आपके 1 करोड़ रुपया, 300 3 एकड़ में लाइफ लाइन बा, फोन ए फ्रेंड, 50-50 ऑडियंस पोल,
दूठो पड़ाओ भाई का। पांचवा सवाल जो दिलाई आपके 10,000 रुपया हो जाए आपकी मिनिमम गारंटी और आगे बढ़त बढ़त। दसवां सवाल अगर खेल जाए बस जीत जाए तो वो आपके बन जाए मिनिमम गारंटी 3,20,000 रुपया। नहीं उसके बाद कुछ हो जाए कम से कम यहाँ से 3,20,000 रुपया लेके है बड़ा बम आप जाए वजह से। तो चलिए अब समय बर्बाद ना करे के और जल्दी से सपना साकार करे के घड़ी में गेम के आगे बढ़ावल जाए खेल के आगे बढ़ावल जाए। तो तैयार बानी? पहले स्टार्ट कर से पहले कंप्यूटर का गोल लग लेता नहीं। जय विश्वकर्मा बाबा। अच्छा बढ़िया। उठे पर्दा उड़े गर्दा चली खेल जा हमनी के ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर दिल के मेल दिमाग के खेल के बनी करोड़पति। पहला सवाल जो आपके दिलाई 1,000 रुपया और पहला सवाल बा कंप्यूटर के स्क्रीन पे ई। एक हिंदी मुहावरा के अनुसार अगर कोनो काम अनिश्चित काल के लिए टल जाता तो कोना चीज में पड़ जाएगी। और आपके ऑप्शंस बा ए रसातल बी अंधेरा सी गड्ढा और डी खटाई। डी खटाई। मारी मोहर लगाई ठप्पा मारी मोहर लगाई ठप्पा डी खटाई पे सही जवाब। देखिए आपके बोनी तो हो गई। एक बोनी नहीं गई सर बोनी भैले शुरुआत भैले आगे बढ़ी बोनी तो काला ना जोन गल्ला में गिरे के चाहे गल्ला तभी खाली हुआ। अरे ना ना होकी नहीं जा तो जमाई मिनिमम गारंटी पे तो हम चेक फॉरन साइन करम। अब आपके खाते दूसरा सवाल बा और दूसर का सवाल बा कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ रहा जी आपके दिलाई 2,000 रुपया और सवाल बा ई। फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ी के चेतावनी देवे या निष्कासन करे खातिर रेफरी अलग अलग रंग के का दिखावेल। 30 सेकंड समय बा और आपके ऑप्शन बा ए पोस्टर बी झंडा सी कार्ड और डी रुमाल। सी कार्ड। पक्का। मारी मोहर लगाई ठप्पा। अय शाबाश सी कार्ड पे मारी मोहर लगाई ठप्पा बहुत अच्छे सही जवाब तालियां। चेतावनी देवे खातिर पीला और मैदान से बाहर करे खातिर रेफरी लाल कार्ड दिखावे लो। तीसरा सवाल तैयार बनी कि थोड़ा रिलैक्स करिए आपके ना तैयार बनी और आपसे अब हम करब तीसरा सवाल दिलाई आपके 3,000 रुपया और तीसरा सवाल खातिर कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आ रहा बा ई। बैंक में चेक कैश करे समय चेक जारी करे वाला के आम तौर पे एमें से का मिलावल जाला? ए हस्ताक्षर बी आंख के रंग सी पता और डी फोटोग्राफ। हस्ताक्षर। मारी मोहर लगाई ठप्पा। ए हस्ताक्षर पे मारी मोहर लगाई ठप्पा। बिल्कुल सही जवाब। हमने के बड़ा आगे थोड़ा जल्दी जल्दी अब। चौथा सवाल आपकी दिलाई 5,000 रुपया। चौथा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे बा ई। आमिर खान पे फिल्मावल विज्ञापन जेकर बोल दिल तो जेब में रखा है बा में कौना चीज के प्रचार कर गई बा। और आपके ऑप्शंस बा ए पेन ड्राइव बी मोबाइल फोन सी पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर और डी कलम। बी मोबाइल फोन। हाँ अच्छा मारी मोहर लगाई ठप्पा मोबाइल फोन पे एकदम सही जवाब। यार सैमसंग गुरु मोबाइल फोन के हो एकरा के आमिर खान करेगा।
आप रिलैक्स मानी ना? रिलैक्स भाई। हाँ? पक्का? पक्का। एक क्वेश्चन और आजमाई आपसे, पांचवा सवाल। जरूर जरूर। ये आपके दिलाई 10,000 रुपया। हाँ। ठीक बात। पांचवा सवाल आपके खातिर। ले बलैया हुटर वे हुट कर दीस, मतलब कि इशारा हो गया खेल रोके के, बट द शो मस्ट गो ऑन, खेल आगे भी जारी रही। जीवन में कर्म के बड़ा महत्व होला, कर्म ऐसन चीज बा जे विद्या आयु धन मृत्यु सबके अपने अनुसार संचालित करेला। कर्म के महानता देखी ए हाथों के लकीर के भी बदले के क्षमता रखेला। कर्म के महानता के बखान करत गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण में कहले बाणी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यही संदेश के साथ अपने बिहारी बाबू के आज इजाजत दी, कल फिर मुलाकात होगी ठीक यही समय यही जगह। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, जय हिंद।